सो हे गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं आमिर सिद्दीकी के बारे में। तो आमिर सिद्दीकी का जो एक इंटरव्यू आया था हैशटैग मुंबई न्यूज में कुछ दिन पहले, जहां पर वो रिएक्ट किए थे कैरेमिनाटी के डिलीटेड वीडियो के ऊपर, वो रिएक्ट किए थे कैरेमिनाटी के सॉन्ग यलगार के ऊपर, ऑल्सो वो रिएक्ट किए थे उनका जो एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुआ था उसके ऊपर। आप सबको पता ही है, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं इसके ऊपर। अगर नहीं पता तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो उसी इंटरव्यू का आज पार्ट टू आया है, जहां पर आमिर सिद्दीकी रिएक्ट किए सकाला का बूम बूम के ऊपर। आप सबको पता होगा कैरेमिनाटी अपने पोस्ट वीडियो में आमिर सिद्दीकी के बालों को साकाला का बूम बूम के पेंसिल के बालों की तरह कहे थे, एंड उसके बाद से जो है आमिर सिद्दीकी को बहुत सारे लोग अभी साकाला का बूम बूम भी कहते हैं। तो उसके ऊपर रिएक्ट किए आमिर सिद्दीकी। ऑल्सो अभी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा रूमर्स फैल रहा है कि आमिर सिद्दीकी जो है बिग बॉस 14 में जाएंगे बोल के, मतलब बिग बॉस 14 में हमें आमिर सिद्दीकी भी देखने को मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। उसके ऊपर भी आमिर सिद्दीकी रिएक्ट किए, तो आप भी देखिए आमिर सिद्दीकी क्या कहे। यार शकला का बूम बूम वॉज अ वेरी फेमस सीरीज जो बच्चे लोग देखते थे, मैंने खुद भी बचपन में देखा है। तो शकला का बूम बूम में एक मैजिकल पेंसिल थी जिससे कुछ भी ड्रॉ करो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाता था। तो ये तो अच्छी बात है, लोग मेरे को वो समझ रहे। तो चलो फिक्शनल वर्ल्ड में जाके अगर मैं बात करूँ कि मेरा अगर कोई ड्रीम है और मेरे को पूरा करना है तो मैं खुद पूरा कर सकता हूँ और इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा मेरे सारे ड्रीम्स पूरे में। रोल करने वाले को क्या कहना चाहूँगी? यार अगर आप लोग को वो चीज़ करने में मज़ा आता है तो आप लोग ज़रूर करिए, बट ये सोच के चलिए कि आप जब किसी को ट्रोल करते हो ना तो सामने वाले के इमोशंस और फीलिंग्स का भी ध्यान दो। हाँ मेरी गलतियाँ थी, मैं मानता हूँ, तो मैंने वो सारी चीज़ें पॉजिटिवली ली, बट गलती होने के बाद भी अगर मेरे को एक लेवल पे तुम लोग कमेंट्स में अगर मेरे को बोलोगे तू सुसाइड कर लेना, तू क्यों नहीं मरा अभी तक, तू क्यों जिंदा है, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तो वो चीज़ें ना इफ़ेक्ट करती है। अगर एक ने किया तो इंसान गल्प कर ले, लेकिन अगर वो आपको बहुत सारे लोग करने लग जाएंगे तो इंसान सोच में पड़ जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को कर दिया बट किसी और को नहीं करना, और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे कोई दुश्मन या कोई एनिमी या कोई, मैं तो रखता भी नहीं हूँ ये सारी चीजें अपने दिल में, बट किसी के भी साथ ना हो ये ट्रोलिंग और रोस्टिंग। ऐसी भी अफवाह है क्या बिग बॉस 14 में आमिर सिद्दीकी जाने वाले हैं? ये तो रूमर है, मेरे तक भी आई है, बट अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, अभी के लिए फिलहाल तो ना, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो यस, आप लोगों का क्या कहना है इस पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ हु केयर्स के बारे में। तो हु केयर्स आज अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए भंगार कैरेमिनाटी यलगार डिस्ट्रैक। तो बेसिकली एक टीजर है उनके आने वाले डिस्ट्रैक का, जहाँ पर वो जो है कैरेमिनाटी को डिस करेंगे। तो आप भी देखिए हु केयर्स के डिस्ट्रैक का यह टीजर। कैरेमिनाटी उम्र 21 साल, 2 मिनट 21 सेकंड बाद मौत। कारण हार्ट अटैक। सो यस, आप लोगों का क्या कहना है इस पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करना रहा हूँ साइमन सेस के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कैरेमिनाटी अपने सॉन्ग यलगार में साइमन सेस को सांप कहे थे, मतलब कि साइमन सेस को भी वो डिस किए थे। तो साइमन सेस अपने रिसेंट वीडियो में रिएक्ट किए यलगार सॉन्ग के ऊपर, तो आप भी देखिए साइमन सेस का रिएक्शन। ऑलराइट, जेनेरिक यलगार रिएक्शन टाइम एवरीबॉडी। मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, लेकिन लिरिक्स सुनकर मुझे ऐसे लगा कि मैंने किया मेहनत का रीमेक सुन रहा हूँ, मेहनत 2.0। इनको क्या पता मेरे कारी कितनी मेहनत। Another classic ruined, but what else can you expect from a T-series supporter, right? लेकिन कैरी पापा ने रोस्ट ही नहीं किया यार, उन्होंने बोला था ना कि वो रोस्ट करेंगे। और कैरी रोस्ट करेगा तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मैंने यलगार पर इसलिए इतनी देर रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैं रुका था कि एक बार मेरी जिंदगी बंजर बन जाएगी फिर मैं रिएक्ट करता हूँ ना, मतलब बिफोर आफ्टर में कुछ रिएक्शन ऐसे दे सकता हूँ। बट यार 3 हफ्ते हो गए यलगार को आकर, मेरी जिंदगी को कुछ हुआ ही नहीं यार, उल्टा मेरे वीडियोस ट्रेंडिंग पर आ रहे हैं। कैरी पापा ने बोला था ना कि ये जो गिने चुने लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला है इनकी जिंदगी बंजर बनेगी। इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। कैरी पापा की धमकी सुनकर कुछ लोगों ने कोशिश की मेरी जिंदगी बंजर बनाने की, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव लर्नड हाउ टू ग्रो थिक स्किन। हाँ लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता जो ये सब हैंडल नहीं कर पाता तो उसकी जिंदगी डेफिनेटली बंजर बन जाती। See, I loved Yalgar, okay? I love the music of Yalgar. बहुत कैची गाना है। Although somebody please explain me how is Kariminati going to eliminate भ्रष्टाचार from our country. But let's ignore that. I love the song, okay? But I think वो बंजर वाली line could have been avoided. I mean, come on यार, तुम करोड़ों लोगों को किसी की जिंदगी बंजर बनाने के लिए कहते हो और फिर एक हफ्ते बाद मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हो। अगर मैंने कभी किसी के खिलाफ अनइंटेंशनली हेट फैलाई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स एज वेल की लॉजिकल कॉमेंट्स करो, फनी कॉमेंट्स करो, लेकिन
हेट मत फैलाओ। सो यस, आप लोगों का क्या कहना है इस पे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ अदित मिनोचा के बारे में। तो यहाँ पर हुआ क्या कि अदित मिनोचा 2 महीने पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था एंड वो वीडियो बेसिकली उर्वशी रौतेला के ऊपर था। तो हुआ क्या कि उर्वशी रौतेला 2 महीने पहले अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी लॉगन पॉल के साथ। तो उसी वीडियो को जो है एक काइंड ऑफ रोस्ट किया था अदित मिनोचा एंड उस टाइम उसके सब्सक्राइबर्स थे करीब 600-700 सब्सक्राइबर्स थे एंड वो वीडियो उसका चल पड़ा एंड उस वीडियो में करीब 5 लाख व्यूज आ गए थे। लेकिन उर्वशी रौतेला ने उसको स्ट्राइक देके वो वीडियो हटा दिया। कोई क्लेम वगैरह, कोई वार्निंग वगैरह नहीं, सीधा स्ट्राइक देके वो वीडियो हटा दिया एंड ऑल्सो कुछ मेल वगैरह किया आदित मिनोचा को ये बोल के कि उसने जो है ट्रोल किया है उर्वशी रौतेला को वगैरह वगैरह। उसी को एक्सप्लेन करते हुए अदित मिनोचा अपने चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड किया कल। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। लेकिन उसके वीडियो का मैं छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखा देता हूँ। So last night the video in which I talked about, I don't want to say the name, but it rhymes with Washi and Nutella. The video was taken down. It was a copyright strike takedown which directly took down the video without a warning. And yeah, so a video with 500,000 views on my channel was taken down directly. Now I can say I don't make videos for views and it doesn't matter, but then I'd be lying. Because it does matter, because it was one of the biggest video on my channel. I don't think commenting on something is doing something wrong. It did not get any warning from YouTube, did not get demonetized. I did not use hate speech, try to abuse someone going out of my way, nor did I make any false claims. This is another classic example of so-called A-listed celebrities of Bollywood trying to take down a small creator. तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ आशीष चंचलानी के बारे में। तो आपको पता होगा कुछ दिन पहले आशीष चंचलानी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू बताए थे कि वो जो है अभी करंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है इंटरनेट हेट एंड इंटरनेट टॉक्सिसिटी के वजह से। आप सबको पता होगा मैंने ये न्यूज कवर किया था अपने वीडियो में। तो रिसेंटली आशीष चंचलानी के एक ट्वीट के नीचे किसी ने उनसे पूछा, ऑल्सो आर यू ओके, आई हर्ड यू आर डिप्रेस्ड। तो उसका आशीष रिप्लाई दिए, वो लिखे, आई वॉज इन अ सेवियर डिप्रेशन सिंस द लास्ट मंथ बट आई एम रिकवरिंग नाउ, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो इसका मतलब इज रिकवरिंग फ्रॉम हिज डिप्रेशन। तो चलिए अगले न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ मनोज डे के बारे में। तो मनोज डे आज अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, आई क्विट यूट्यूब, यूट्यूब छोड़ दूंगा। तो इस वीडियो में मनोज डे बताया कि उसके घर में जो है बहुत सारे लोग उससे मिलने आते रहते हैं, मतलब मीटअप के लिए आते रहते हैं, ये एक्सपेक्टेशन से कि मैं उससे मिलूंगा, वीडियो बनाऊंगा एंड देन फिर मनोज डे उस वीडियो को प्रमोट करेगा। एंड एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग मिलने आते रहते उससे, जिसके वजह से वो अपना वीडियो वगैरह बना नहीं पा रहा है। सो इसके वजह से मनोज डे अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट किया कि उससे ना मिलने आए बोल के। एंड ऑल्सो वो बताया कि अगर आएंगे मिलने तब भी वो जो है अब कोई भी चैनल वगैरह प्रमोट नहीं करेगा। सो अगर आपको मनोज डे का ये पूरा वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ था। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड इसी तरीके के यूट्यूब कम्युनिटी एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।